खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर क्लाइमेट चेंज और वजीर आजम पाकिस्तान के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की हेड मैडम रुखसाना नवीद ने चुंगी गुजरपुरा लाहौर में इंसाफ आफ्टर नून स्कूल प्रोग्राम चलाने वाले गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल एक्सपोली कैंप और इनकी अपनी कोशिशों से इलाके के कब्रिस्तान के लिए दी जाने वाली जगह का दौरा किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। जी, वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर क्लाइमेट चेंज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की हेड मैडम रुखसाना नवीद आजकल लाहौर के दौरे पर हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान लाहौर की टीम की दावत पर वो गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चुंगी गुजरपुरा एक्स पोली कैंप लाहौर में पहुँची। मैडम रुखसाना नवीद ने इस स्कूल में लगाए गए नए दरख्तों के पौधों का मुशाहिदा किया और पहले से लगे बड़े दरख्तों की हिफाजत की भी तलकीन की। मैडम रुखसाना नवीद ने वहाँ पर तालीम लेते हुए बच्चों से मुलाकात की और इन बच्चों को दरख्तों के फवायद और नए दरख्त लगाने से मौसम में आने वाली खुशगवार तब्दीलियों के बारे में बताया। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल गुजरपुरा की हेड मिस्ट्रेस मिस रिहाना गुल और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर गुलाम मुर्शिद विर्क भी उनके साथ मौजूद थे। मैडम रुखसाना नवीद ने चुंगी गुजरपुरा में उनकी अपनी कोशिशों से कब्रिस्तान के लिए ली जाने वाली जगह का भी दौरा किया। तो ये शुक्र है अल्लाह का कि एक तरह से हमने आर्मी ने इसको सरेंडर किया हुआ था, मगर बहुत सालों से, कितने साल हो गए, करीबन 10-12 साल से इसका कोई वाली वारिस नहीं बन रहा था कि इसको रिकवर करवा के यहाँ कब्रिस्तान बनाया जाए। तो इन बुज़ुर्गों की और असलम इन लोगों की मेहनत से इन्होंने मुझे कहते रहे और मेरे से ये काम, शुक्र है अल्लाह का कि हो गया है। इंशाल्लाह अब यहाँ पे कब्रिस्तान प्रॉपर तरीके से शहर खामोशा इसको टेक ओवर कर लेगी, चार दीवारी होगी और बेहतरीन यहाँ पर इंशाल्लाह कब्रिस्तान। शुक्र है अल्लाह का। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तजा, रॉयल न्यूज़ लाहौर।